तो वो अनाउंसमेंट ये है कि पहले तो मैं फूड रिव्यूज़ कर रहा था सिर्फ लाहौर में, लाहौर के रेस्टोरेंट्स के और लाहौर के स्ट्रीट फूड के, लेकिन अभी मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हुई है 3 महीने की, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं डिफरेंट सिटीज़ में जाऊँगा। तो जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, शपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान रचेस बड़ा हैवी सा नाश्ता करने के बाद आपकी खिदमत में हाजिर है। ये इतना कोई फिट नाश्ता, मैं जब भी इस्लामाबाद आता हूँ ये नाश्ता मैं ज़रूर बनवा के खाता हूँ। खैर इस्लामाबाद में गर्मी की शिद्दत का कोई हिसाब ही नहीं है, इतनी गर्मी है। लेकिन आज एक बड़ी हैवी अनाउंसमेंट है, तो वो अनाउंसमेंट ये है कि पहले तो मैं फूड रिव्यूज़ कर रहा था सिर्फ लाहौर में, लाहौर के रेस्टोरेंट्स के और लाहौर के स्ट्रीट फूड के, लेकिन अभी मेरी समर वेकेशन स्टार्ट हुई है 3 महीने की, तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं डिफरेंट सिटीज़ में जाऊंगा और हर सिटी का जो फेमस स्ट्रीट फूड होगा वो मैं एक ही व्लॉग में कवर करूंगा, जो कि मैं अब से शुरू कर रहा हूं। और ये शुरू कर रहा हूं मैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी से, जिसका पहला एपिसोड 2 दिन बाद आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएगा। और उस व्लॉग में एक कलेब्रेशन भी है, उसमें मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ एक और व्लॉगर से, नाम नहीं अभी बताऊँगा, वो आपको अगले व्लॉग में 2 दिन बाद पता लगेगा। और 2 दिन बाद ही इस चीज़ का पहला एपिसोड आ रहा है कि मैं डिफरेंट सिटीज़ में जाऊँगा और उस सिटी का स्ट्रीट फूड जो है वो एक ही व्लॉग में सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है कि मैं किस सिटी में जाऊँ और उस सिटी की क्या क्या चीज़ें ट्राई करूँ। अच्छा, यहाँ इस्लामाबाद वाले घर में ना जब से मैं छोटा हूँ तब से कुछ खिलौने पड़े हुए हैं जो मुझे बड़े पसंद हैं और वो हर दफ़ा बचपन की यादें ताज़ा करवाते हैं। उनमें से जो मेरे फेवरेट हैं वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक तो ये मुझे बहुत पसंद है, छोटी बारबी सी। उसके बाद जनाब मुझे ये वाला घर बड़ा पसंद है क्योंकि इसमें 2 बच्चे हैं, 2 कप हैं, क्या ही बात है, मतलब कि बड़ा अच्छा सा ये है ना नज़ारा है इनका कार्टून का। बचपन की कुछ यादें ताज़ा करने के लिए पार्क चला गया क्योंकि इस पार्क में मेरे बचपन का एक खूबसूरत हिस्सा मौजूद है। कुछ साल पहले हम भी इन बच्चों की तरह यहाँ लापरवाह खेला करते थे। वक्त कैसे गुजर जाता है और हम जिंदगी की दौड़ में कितना आगे निकल जाते हैं कि आज इन बच्चों को देखकर मेरा बस यही दिल कर रहा है कि अब मेरी भी शादी हो जानी चाहिए। खैर ये बच्चा खुद को कैमरा में आता देखकर इतना एक्साइटेड हो गया कि अपनी ही बहन ने साइकिल दे मारा। इससे पहले कि उस बच्चे की वालदा मोहतरमा इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार मुझे ठहरा देती, मैं उस पार्क से तितरी मितरी होकर इधर आ चुका हूँ। वैसे मुझे बचपन से बच्चों को लड़वाने का बड़ा शौक है, लेकिन भाई हम यहीं ठीक है, यहीं से पार्क में बच्चों को देख लेंगे। बच्चा ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कैमरे को देख के। खैर आपको पता है फूड एंड रेस्टोरेंट इज लाइफ एंड सेम टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, थर्स्टी ग्रो, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। अनदर डे इन इस्लामाबाद। शूज़ पहनने के बाद मैंने जो भी करना था वो व्लॉग में नहीं कर सका क्योंकि प्लान चेंज हो गया था, तो मैंने फिर व्लॉग करने की बजाय खुद इंजॉय किया। यार मुझे कुछ अरसे से येजिस पहनने का बड़ा शौक है, लेकिन जो मुझे पसंद है वो यहाँ से मिलते नहीं हैं। एडिडास से ओरिजिनल यहाँ पे इन स्टोर्स पे वो आते ही हैं, आए भी तो मुझे शायद पता नहीं लगा। तो कल फिरते फिरते मुझे एक शूज़ नज़र आया जो उसकी तरह का है, मिलता जुलता है, तो वो मैंने फ़ौरन वहाँ से उठा लिया। पहले आप उसका शपैक चेक कर लो। देखो एक होता है शॉप, एक होता है कंप्लीट शॉप, फिर आता है कंप्लीट शॉप की दुकान। ये लड़का है कंप्लीट शॉप की दुकान। लेकिन अगर आप लोगों को ये शूज़ चाहिए तो ये आपको एडिडास सेंटोरस मॉल से मिल सकते हैं।
अभी मेरे घर के पास एक नया कोई नाश्ता पॉइंट यहाँ पे खुला है इस्लामाबाद में। मुझे बताया कि वो उसके पराठे बड़े अच्छे हैं, कोई डिफरेंट पराठे मैंने अभी तक देखे भी नहीं है और खाए भी नहीं है, तो अभी मैं वो ट्राई करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने साथ आना है तो आ जाओ, नहीं बल्कि आप लोग साथ ना हो, मैं आप लोगों को यहीं पर दिखा देता हूँ। भाई कर लिया नाश्ता और ये थे जी फुल पेड़े वाले पराठे, पेड़े वाले पराठे, पेड़े वाले पराठे। ओए ओए ओए, अकल से पैदल इंसान, हर पराठा पेड़े वाला ही होता है। ये कहना चाह रहा है कि ये पराठा बलों वाला था। इतने कोई फिट किस्म के पराठे, मतलब इस तरह के पराठे मैंने पहले कभी नहीं देखे। छोटे छोटे गोल गोल पराठे थे, साथ अंडे भी थे और चने भी थे। ये है जी यहाँ पे IAT मरकज इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे आके आप ट्राई कर सकते हो, क्वेटा बलोचिस्तान कैफे के नाम से। और मैं कहता हूँ क्या नाश्ता था, नाश्ता उफ तो था ही था, लेकिन जो इस क्रिस्पी पराठे को चाय में डिप करके खाने का मज़ा है ना, उफ। मैं फैंसी बॉय नहीं हूँ, मैं तो बचपन से पराठे को चाय में डिप करके खाता हूँ, तो आप भी खा सकते हो। ये IAT मरकज़ इस्लामाबाद में है जी, क्वेटा बलोचिस्तान कैफ़े के नाम से। लाजमी ट्राई करने वाली चीज़ है इस्लामाबाद में अगर कभी भी आओ।